नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। मेरा हो चुका सुबह का सारा काम, बज गए 11:30। देखिए क्या करने में लगी सतानी वहाँ पे। हाँ भाई, काट डालेगी इसको। हाँ, बहुत ही सतानी करती पर नहीं मारू। नहीं मार क्यों रहा है उसको, मारा ना करो। ये है मम्मी का ताज। रख दो उसको। सारे काम से फुर्सत हो गई हूँ और साहिल लेके आया। सुबह उठा था, ऊपर गमला में पानी डाल के आया। फिर तेरा तो मम्मी चार पैसे दे दो, क्योंकि चार रुपए मेरे पास 7 रुपए। रख दो, लगते रहते टूटे टूटे नहीं, ये टूटे से भी टूटे। पहले पैसे लगते हैं ना, कभी किसी से लगते गैस में लगते हैं। गैस में गैस भराने जाते हैं ना तो लगते हैं। साहिल को कूलर भरा के और गमले में ऊपर पानी डाल के नहा के चाट लेके आया है। तो बन रहा है उसका चाट। सारा काम इसको चाट मिला, 5-6 को लेके आया सब में। किसी में मैथ का, किसी में साइंस का, किसी में इंग्लिश का सब काम मिला है। तो वही कर रहा है अब, सुबह से करता रहा। अब लर्न कर रहा है। क्या लर्न कर रहा है? इंग्लिश हाँ। SSC। देखो ऐसा लग रहा है कि पूरी रात सोया नहीं। यार सर काम में भी मदद करता है और पढ़ाई भी करता है, पर थोड़ी बहुत मक्कारी करता है तो डांट भी पड़ती है। कल बहुत डांट पड़ी थी, मैंने इसको डांटा था कि पहले पढ़ाई में ध्यान दिया करो फिर खेला करो। कल पढ़ता रहा था, लर्न भी किया था और सोया नहीं था, पूरा दिन पढ़ता रहा। और आज कर रहा है मैथ का काम चार्ट में। तेरा मम्मी हाथ दर्द करने लगा, लर्न कर रहा हूँ। आधा बच्चा है, बोल रहा था लर्न कर रहा हूँ। लर्न करने के बाद फिर बनाऊंगा थोड़ी देर में, चलो कोई बात नहीं। तो शायद लर्न कर रहा था, अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने। इसको मोड़ के रख दो, नहीं तो वो पुराने वाला चार्ट था, वो नया वाला चार्ट होता तो इसको बहु मारता, छिछड़े उड़ा दी थे वो चार्ट के। जरा है को रख रहा है, जरा सोच के देखो। अगर वो ना तो हाँ, अगर नया चार्ट होता तो हाँ मैंने देख लिया था तो मेरे को तो लगा था नया वाला है जो खराब कर रहा है। रखना नहीं, फाड़ देती और बड़ी गंदी लगती है। अब जा रहे हैं मैं और साहिल खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद साहिल अपना काम करेंगे। ऊपर में बैठी ना पानी की बाल्टी रखने देखा था, गमले के पास देखा छोटा सा, ठंडाता है ना गमले में पानी। बहुत बिल्ली आते हैं हमारे छत पे बैठा है, हमारे बच्चे बहुत बिल्ली आते हैं। अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने। रामण की रामण ही तो होता है, रामण रामण रावण। मैं हूँ रावण का कुलका पिंड, क्या बोलते हैं कुंभकरण। आधा चार्ट बना, आधा 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 सारी चार्ट बना लिया, आधा बना है। दिख ही नहीं रहा सही, उल्टा दिख रहा है वो कैमरा है। चाइनीज वाले पढ़ लेंगे। आधा बना पाया आधा पढ़ा है, वो भी बनाएगा। तेरा तो मम्मी यहाँ दर्द कर रहा है तो लर्न कर ले रहा हूँ जब तक। फिर थोड़ी देर बाद बनाऊंगा। मैं तो ठीक है, मेरा भी काम होगा। अब जा रहे हैं खाना खाने। खाना खाने कोई से देख रही है, इसे लग रहा है कि छिटक जाएगी। मिलते हैं खाना खाने के बाद। दोस्तों सलाद मेरा कट चुका है और आधे खीर मैंने खा भी लिए। बहुत मार पड़ने वाली है। शाम की अकेले की दाल अब उसको गरमाएंगे। आपने खीरे काटे नहीं? दो खीरे मेरे पेट के अंदर। हाँ खाना खाने से पहले खा रहा हूँ शाम के। तुम्हें ये क्यों चिल्ला रही है? खाना शाम को तो मेरे को खीरा मिले भी नहीं थी, सलाद में सब तुम लोगों ने खा लिया था। चलो चिल्ला रही भाई इसकी तरीके। चलो ओके चलो। हैं पगड़ी औरत, ये सब्जी खाऊंगी? हाँ जी हाँ खा लूंगी। चलो
खाना। प्लेट ले लेती एक दाल और सब्जी हो जाती। इसमें ले लेना ना। ठीक है सब्जी है इसमें दाल ले लेना। तुम तो कहेगा सब्जी का खाना दाल वा। ठीक दोस्तों आप लोग भी खाना खा लीजिए, हम भी खाना खा रहे हैं। भूख लगी है, बहुत सारे काम से हो गए। कुर्सी चींटी बहुत परेशान करती है पर जब सब्जी कहाँ से चले खाना खा लिए बैठो फ्रेंड खा चुकी है बैठो बात मानती मानती है इसको चम्मच से खा लूँ ना मजा आ जाए मेरे को। मैं तो नींबू डाल के खाऊंगा मैं तो नींबू डाल के खाऊंगा मैं मम्मी मैं नींबू डाल के खाऊंगा नींबू। ठीक है तुम्हें तरोई की सब्जी बहुत अच्छी लगी थी क्या? आज साल ने तरोई की सब्जी खाया है और दाल भी खाई है। तरोई की सब्जी ये जल्दी खाता नहीं है। दाल इतनी मस्त लगी दाल इतनी मस्त किसी ने सब्जी बनाओगी। तुम तरोई खाते नहीं हो ना तो शाम की दाल रखी हुई थी इसलिए मैंने पूरी तरोई नहीं बनाई थी। हम खाएगा नहीं बिना फालतू बर्बाद जाती है। पापा के टिफिन से बच गई थी दोनों के खाने वाले को बच गई थी लेकिन दाल भी थी। दाल और तरोई की सब्जी दोनों चीज़ें हम लोगों ने खा ली है। शायद खाता नहीं तरोई पर खाया है मैंने पूरी नहीं बनाई थी कि पता नहीं खाएगा कि नहीं ज़्यादा भी हो जाती इसलिए पापा बोल रहे थे आधी बनाना आधी मैंने बनाई थी। दाल रख दाल बच गई थी शाम में। क्या कर रहा है जी? पढ़ने जा रहा हूँ मैं। डिस्टर्ब ना करना डिस्टर्ब करो पुलिस को बुला के। ये लीड की है क्या वो जो लगी होती चुची बोलते हैं क्या? अरे यार ऐसे बोलते हैं। सब रखो उठा के चलो पढ़ाई करो। अब शायद पढ़ाई करेगा और मैं भी जा रही हूँ थोड़ी और कुछ ना कुछ करूँगी। क्या करूँगी खाइए पता खुट खाइए शायद खाइए और खाना मम्मी खुट खाइए। कै बजे खाना खाए शायद हम लोगों ने 11:30 बजे लाइट चली गई थी। लाइट आ गई तो कूलर चालू कर लेते क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा दे रहा पंखा। कल परसों से पता नहीं कि इतनी ऐसी उमस वाली गर्मी है लग रहा पानी का वो होगा पानी बरसने वाला है किसी दिन और तेज पानी बरसे या बादल टाइम का पता नहीं कैसे छिलमिली धूप रहती है बाहर भी वो हो रही है गर्मी मसवाली अंदर गई। मिलते हैं दोस्त थोड़ी देर बाद। साल पढ़ाई करेगा ना तो डिस्टर्ब होगा तो जब साल चार बनाना शुरू करेगा तब मिलेंगे आप लोगों से दिखाऊंगी क्या आज इसने काम किया चाय है ना साल। हाँ मैं कहा सीधे मिलेंगे जब साल चार बनाएगा तो दिखाऊंगी क्या बनाया है साल ने इस चीज का काम किया है ना। मेरा बहुत जल्द दिखाएगा अभी स्कूल नहीं जाता है साल को थोड़ा ठीक लगता है था पास भाई अच्छा लग रहा है तो साल को भी नहीं अच्छा लग रहा है पता नहीं। यहाँ पर सैलाब निकल रहा है जिनको लाभ निकालने को मिला है और लिखने को भी मिला है तो थोड़ी देर लिखता है थोड़ी देर लर्न करता है। इसीलिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया क्योंकि डिस्टर्ब होगा ना लर्न कर रहा है तो
मैं कलर में बैठी हुई हूँ, कुछ ना कुछ काम अपना कर रही हूँ और ये लर्न कर रहा है। शाम टाइम का चार्ट बनाएगा क्योंकि मैथ का चार्ट बना रहा है, तो मैथ का काम कर रहा है उसी चार्ट में। थोड़ा सा किया है उसको रख दिया, लर्न कर रहा है और शाम टाइम को बनाएगा चार्ट में काम शुरू करेगा। सोचे फिर बनाने में काम कर रही हूँ। दोस्तों शाम हो गई है, साहिल का काम शुरू हो गया, चार्ट पूरा बन गया है। मैं किचन में काम करती रही, साहिल यहाँ पर अपना चार्ट कंप्लीट करता रहा, मैथ का काम किया है, पूरा हो चुका है इसका, थोड़ा सा बचा है अभी, मैंने पूरा कर लिया है। मैंने चाय बनाया किचन में, आलू उबलने को रखा है, आटा गूंज के रख के आई हूँ, देखूँ कितना रह गया बनने का। पूरा आखिरी है ना, एक चार्ट पूरा हो गया कंप्लीट, कितने बचे? दो हो गए कंप्लीट, क्योंकि आज कौन सी तारीख है, इसमें इतना ही करना था क्या बस? उतना बच नहीं जाएगा, उसमें कुछ और कर लूंगा। पूरा चार्ट बन के कंप्लीट हो गया, अभी फटा बुक से अच्छा मैथ लगाते हैं। अभी कितने बचे? दो नहीं चार बचे हैं अभी, अभी दो लाया नहीं चार, अभी और लाना। पैंसठ सौ पेंडल है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना साहिल की राइटिंग कैसी बनती है, सही बनती है कि नहीं। दो चार्ट साहिल की कंप्लीट हो गए, चार्ट की चार्ट बताओ, चार्ट चार्ट, अरे गांव में बोलते हैं बड़ा कागज, बड़ा कागज में इसमें कागज लगा कर ना तो कहीं ये छप ना जाए, ये घिस ना जाए। नहीं होंगे अभी, अभी ऐसे रख दो फिर कर देना। आज 12-13 तारीख होगी, 13 हाँ, कौन ज़्यादा दिन रहेगा स्कूल खोलने के, बनाते बनाते अभी आ रहा था मेरा बहुत पहले हो रहा था, भैया जब आया था ना तब कर ले, तो मैं भैया के साथ खेलने में व्यस्त था। सब इकट्ठा है क्या, ज्यादा फैल गए? पहले भी छा लेते ऐसे जैसे अभी कर रहे हो, पहले कर लेते। साल दूध लेके आ गया, यहाँ पर मेरा दूध पक रहा है, रोटी मेरी बन चुकी है और अभी बात तो मेरी भी रहा है, दूध पक गया फिर खाना खाने जाएंगे, फिर बर्तन धोएंगे और एक होटल पड़ी थी उनका साल भर के रख दे, साल होटल भर के रख रहा है और साहिल का साहिल के दो चार्ट कंप्लीट हो गए हैं। और पास को अच्छी भूख लगी कि चीटा खा गई, इसको इतनी भूख लगी कि चीटा खा गई, वो ऐसे ही करती है, देखो बता रही कि मैंने नहीं खाया, झूठ ना बोलो, धीरे धीरे करके पास को बचे वो भी कंप्लीट कर लेगा क्योंकि अभी स्कूल खोलने का टाइम आ गया। आज 13 तारीख है ना साहिल, भूख लगी है अभी तक थोड़ी पढ़ने में मस्ती करता रहा, लेकिन अब पढ़ता है क्योंकि स्कूल खुलने का टाइम आ रहा है, तो बनाना शुरू कर दिया है। और एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्रियंका ने कमेंट करके बोला है कि आप आपकी वीडियो में देखती हूँ और आप कोई भी तो नहीं देखते हैं, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ आपको धन्यवाद इतना अच्छा कमेंट करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा कमेंट पढ़ के, आप ऐसे कमेंट अच्छे अच्छे करते रहिए, बाकी 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 मेरा सपोर्ट करते रहिए। वीडियो एंड कर रहे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा,
और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना साहिल का आज का मैथ का चार्ट आपको कैसा लगा। क्यों साहिल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप इतने अच्छे अच्छे करते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू प्रियंका। प्यार देने वाले नीचे मिला।